गृहमंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली के विज्ञान भवन में मंथन। ममता बनर्जी ने बैठक से किया किनारा, नहीं हुई शामिल। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल, 2 चरणों में बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटी, मिलेगा Z+ कवर। जाकिर नाइक पर सख्त मलेशिया की सरकार, मलेशिया के होम मिनिस्टर का बयान, कोई भी कानून के ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की सीबीआई और ईडी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। सीबीआई के बाद ईडी चिदंबरम पर शिकंजा कसने की तैयारी में, केस में ईडी ने दाखिल किया है हलफनामा। पी चिदंबरम पर फर्जी कंपनी बनाने का आरोप, हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है ईडी। पी चिदंबरम की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में भी पेशी, 5 दिन की सीबीआई रिमांड आज खत्म। चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट में ईडी से जुड़े मामले में भी अंतरिम जमानत की याचिका। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में नीरा राडिया ने चिदंबरम पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कश्मीर पर बौखलाए पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने दी युद्ध की गीदर भपकी, बोले उपमहाद्वीप का बदल जाएगा नक्शा। बेचैन पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा भारत से रिश्ते पर रणनीति, अब पीएम इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने भारत पाकिस्तान के शांतिपूर्ण संबंधों की वकालत। कश्मीर पर भड़के पाकिस्तान की नई साजिश, खालिस्तान आतंकवादियों को भड़काने में लगा पाकिस्तान। FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बचने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ने बनाई कमेटी, 1 दिसंबर तक मामले सुलझाने का दिया टारगेट। कश्मीर पर क्रिकेटर जावेद मियांदाद की सियासत, बॉक्सर आमिर खान के साथ पहुंचे LOC के करीब। कश्मीर पर मोदी सरकार को मिला मायावती का साथ, अनुच्छेद 370 हटाए जाने का किया समर्थन। मायावती ने कहा अंबेडकर बीते कश्मीर में 370 के खिलाफ, कश्मीर पर राजनीति का किया विरोध। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पर हमला, बोले बीजेपी की भाषा बोल रहे MLA। अनुच्छेद 370 हटने और अमरनाथ यात्रा बंद होने के बाद पहली बार पहलगाम पहुंचा आज तक जनता ने सरकार से की फरियाद, जल्द सामान्य करे हालात। जम्मू में आज सोमवार को फिर खुले स्कूल कॉलेज, छात्रों की दिखी भीड़। श्रीनगर के लाल चौक पर भी हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य, हटाए गए बैरिकेड। अगले साल तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव मुश्किल, परिसीमन को नए सिरे से तैयार करने में लगेगा वक्त। 27-28 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएगा केंद्र का डेलीगेशन। 370 पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार, वक्त के हिसाब से होगी सुनवाई। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में आज भारत के लिए बेहद अहम दिन, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार ट्रंप और मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। 4:15 बजे होगी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता, कश्मीर पर ट्रंप ने खुद मध्यस्थता का जताया था इरादा। ब्यारिट्स में कुछ देर में पीएम मोदी की फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से होगी मुलाकात, होटल ड्यू पैलेस में मिलेंगे मोदी और मैक्रॉन। पीएम मोदी 11 बजे G7 में जैव विविधता और जलवायु पर चर्चा में लेंगे हिस्सा।